काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो कुछ बुरा होना ही है। कौआ कब से आवाज कर रहा है, जरूर कोई बिन बुलाए मेहमान आते होंगे। ये दरवाजे पर चप्पल किसने उल्टी छोड़ दी है। ऐसी बातें हम सब ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो पक्का सुनी होगी। लोग ऐसी बातों पर विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि सालों से इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट पीपल चूज टू बिलीव इन, एंड ट्रस्ट मी, People choose to believe in the strangest of the things. विश्वास नहीं हो रहा? कभी दो मेंढकों की शादी देखी है? Matrimony.com ने ये एस्टिमेट किया था कि आने वाले डेकेड में इंडियन वेडिंग मार्केट 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 30,000 करोड़ जितना बड़ा हो जाएगा। हमारा देश जाना ही जाता है बिग फैट इंडियन वेडिंग्स के लिए, लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसी भी शादियां हो रही हैं जिसे देखकर मेरी शौक से बोलती ही बंद हो गई। 8 जून 2019 को उड़ीपी कर्नाटका के कुछ घरों में वेडिंग कार्ड्स दिए गए थे। इट वॉज एन इन्विटेशन टू अटेंड अ वेरी स्पेशल वेडिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय उड़ीपी सिटीजन फोरम। दूल्हे का नाम था वरुण और दुल्हन का नाम था वर्षा। अक्सर शादियां किसी मैट्रिमोनियल साइट से तय होती हैं, या कोई रिश्तेदार या पहचान वाले अरेंज करते हैं, लेकिन उड़ीपी में हो रही इस शादी में कुछ अलग था। द टू बी हस्बैंड एंड वाइफ वर सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्ड इंस्पेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इन मणिपाल। आपने बिल्कुल सही सुना, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। वरुण एंड वर्षा दैट इज द ग्रूम एंड द ब्राइड वर अ पेयर ऑफ फ्रॉग्स। उड़ीपी में बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा था और एज अ सॉल्यूशन वहां के कुछ लोगों ने ये यूनिक सी शादी ऑर्गेनाइज की जिससे वो रेन गॉड्स को खुश करना चाहते थे। हिंदुइज्म में वरुण को गॉड ऑफ वाटर कहा जाता है और वर्षा का मतलब होता है रेन। एक मेल और एक फीमेल फ्रॉग को ये नाम देकर उनकी शादी मंदुका परिनया नाम के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कराई जा रही थी। पहले 4 फ्रॉग्स को मणिपाल के जूलॉजी डिपार्टमेंट में लाया गया था ताकि एक मेल और एक फीमेल को आइडेंटिफाई किया जा सके। दे वर देन ब्रॉट टू अ होटल वेयर द वेडिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। जैसे नॉर्मल शादी में जश्न मनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस शादी में भी गेस्ट अपने ब्लेसिंग देने के लिए प्रेजेंट थे। दोनों फ्रॉग्स को बिल्कुल इंसानों की तरह सजाया गया था विद कस्टम मेड आउटफिट्स दैट वर स्पेशली स्टिच्ड फॉर देम। इन फैक्ट द फीमेल फ्रॉग नेम्ड वर्षा हैड अ मंगलसूत्र अराउंड हर नेक एंड अ टोरिंग ऑन हर वेब्ड फीट। शादी के सारे रिचुअल्स होने के बाद दोनों को मन्नपल्ला नाम के एक गांव में ले जाकर छोड़ दिया गया। ये फ्रॉग वेडिंग्स इंडिया में बहुत कॉमन बात है। 2016 में ऐसा ही कुछ स्टेट ऑफ असम में किया गया था एज देवर टू सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट। इस विश्वास में आकर कि फ्रॉग वेडिंग्स के बाद बारिश होती है, आज भी कई लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ये बात तो फिर भी चलो ठीक है, यहाँ दो एम्फीबियंस की एक दूसरे से शादी हो रही है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया में किसी इंसान की एक एनिमल के साथ शादी करना भी कॉमन प्रैक्टिस है। झारखंड के एक ट्राइबल कम्युनिटी में मंगली मुंडा नाम की एक लड़की की एक स्ट्रे डॉग के साथ शादी कराई गई। ऐसा कहा जाता है कि मंगली पर कोई ईविल कर्ज था जिसकी वजह से अगर वो किसी इंसान से शादी करती तो उसके गले का मंगलसूत्र उनके लिए फांसी का फंदा बन जाता, मीनिंग दे वुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ द ईविल कर्ज। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए गाँव के एक लोकल गुरु ने ये रिचुअल मंगली के पेरेंट्स को पूरी करने के लिए कही। गाँव वालों ने शेरू नाम के कुत्ते को दूल्हे की तरह सजाकर मंगली के साथ मंडप पर बिठा दिया। शादी में मुंडा के गांव के 70 लोग और उसकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। They enjoyed the wedding as one would normally do, except the fact that this wasn't normal at all. गांव के बड़े बुजुर्ग का ये मानना है कि इस रिचुअल के बाद लड़की के ऊपर से श्राप उठ जाता है और वो किसी अच्छे पार्टनर को चूज करके उससे शादी कर सकती है, इंश्योरिंग अ लॉन्ग लाइफ फॉर हर पार्टनर। मुंडा फैमिली के हिसाब से उन्होंने उतना ही पैसा खर्च किया था जितना वो किसी नॉर्मल वेडिंग में खर्च करते हैं। और तो और, शेरू को भी एक नॉर्मल इंसानी दूल्हे की तरह ही रिस्पेक्ट दे रहे थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है, ये रिचुअल बहुत कॉमन है। कभी शेरू जैसे स्ट्रे डॉग से तो कभी किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से लड़कियों की शादी कराने के पीछे कई रीजंस हैं। बट द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल इज एन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन इन द गर्ल्स कुंडली, व्हिच इज अ बैड न्यूज फॉर अ फैमिली एंड हर टू बी इन लॉज। इसके अलावा
दिसंबर 2005 में 5 साल की बच्ची की शादी एक डॉग से इसलिए कराई गई थी क्योंकि उस कम्युनिटी के लिए एल्डर्स का मानना था कि अगर किसी छोटे बच्चे की शादी उसके परमानेंट टीथ अपीयर होते ही किसी कैनाइन से कराई जाए तो वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से इम्यून हो जाती है। फेशियल डिफॉर्मिटीज होने पर भी लड़कियों की शादी इस तरह नॉन ह्यूमन एंटिटीज से कराई जाती है। आई वंडर हाउ क्लूलेस दीज लिटिल गर्ल्स मस्ट बी सिटिंग बिसाइड्स अ स्ट्रे डॉग all decorated as a wedded couple, but not as clueless as the babies who were thrown off the roof of a building. Maharashtra ke Solapur district mein Baba Umer naam ki ek dargah hai, jahan 700 saalon se ye tradition follow kiya jata hai. Aisa nahi ki yahan kisi ek community ke log ye ritual practice karte hain. It's both Hindu and Muslim families. Saalon pehle जन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई थी, तभी ये प्रैक्टिस की जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि बच्चे को ऊपर से फेंकने के बाद नीचे भगवान ने बिछाए कोई मैजिकल शीट के ऊपर जाके लैंड होगा, ऑल सेफ एंड ब्लेस्ड बाय सुपरनैचुरल। लोग भगवान के सामने प्रेगनेंसी की मांग करते हुए इस भयानक रिचुअल को प्रैक्टिस करने का वचन लेते हैं। एंड वंस द बेबी इज बॉर्न ही इज टेकन टू द दरगाह एंड थ्रोन ऑफ द रूफ और अ बालकनी बाय अ प्रीस्ट। आजकल इस रिचुअल को फॉलो करते वक्त नीचे कुछ लोग ब्लैंकेट लेकर खड़े होते हैं। बच्चा उस ब्लैंकेट पर लैंड होते ही उसे उठाकर पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। यार मैंने सोचा था कि बेबी टॉसिंग में उन क्यूट बेबीज को कितना मजा आता होगा, लेकिन बेबी टॉसिंग का ये वर्जन देखकर तो मेरे होश भी टॉस हो गए हैं। उड़ गए हैं। बट वेट, थिंग्स आर जस्ट स्टार्टिंग टू गेट मोर एंड मोर डेंजरस। आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में देवरगट्टा नाम का एक मंदिर है जहाँ हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बानी। इट कोइंसाइड्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा इन इंडिया। मिडनाइट को शुरू किए गए इस फेस्टिवल में देवरगट्टा टेम्पल से मलमा यानी गॉडेस पार्वती और मलेश्वरा यानी गॉडेस शिवा के आइडल्स को नीरांकी नाम के एक हिल टेम्पल में ले जाया जाता है। इस दौरान 3 गांव के लोग एक लंबे बैम्बू स्टिक के साथ इकट्ठा होकर आपस में लड़ते हैं टू क्लेम द आइडल ऑफ द डेटी। और ये ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होती, जमीन पर खून टपकने तक रात भर ये लड़ाई रिचुअलिस्टिक मैनर में पूरी की जाती है। इट इज लाइक अ परेड। लॉर्ड शिवा ने मला मलेश्वरा के रूप में एक राक्षस का वध किया था और ये फाइटिंग परेड उसी जीत को ऑनर करता है। बानी फेस्टिवल में इस लड़ाई के अलावा और भी आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं, बट द बैम्बू स्टिक फाइट इज वन ऑफ दैट कैचेस एवरीवन्स अटेंशन। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लड सोक्ड रिचुअल को सेंचुरीज ओल्ड विजयनगर एम्पायर के टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इट इज नोन टू बी सिंबल ऑफ गुड ओवर ईविल। लेकिन इस रिचुअलिस्टिक स्टिक फाइटिंग में इस साल अक्टूबर में 50 लोग जख्मी हुए थे। सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनमें से 2 लोगों की कंडीशन क्रिटिकल भी डिक्लेयर की गई। गवर्नमेंट इस फेस्टिवल के दौरान पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय करती है, इसलिए जख्मी लोगों की संख्या कम है। इस रिचुअल पर बैन लाने की कोशिश की गई है और इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के भी एफर्ट्स लिए गए हैं। इन सारे स्ट्रेंज रिचुअल्स को स्ट्रेंज कहना गलत होगा क्योंकि इनसे लोगों की फेथ जुड़ी है। जैसे मैंने पहले कहा, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट पीपल चूज टू बिलीव इन। इन रिचुअल्स में अगर हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन लोग ऐसे बिलीव्स क्यों रखते हैं, इसका जवाब हमारे पास है। एक्चुअली वेट, हमारे पास नहीं, कुछ कबूतरों के पास है। 1948 में इंडियाना यूनिवर्सिटी के एक लैब में 8 कबूतरों का वेट उनके नॉर्मल वेट से 75% हो जाए इसलिए भूखा रखा गया था। दे वर सेपरेटली केप्ट इन 8 बॉक्सेस वेयर नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुड इफेक्ट देयर बिहेवियर। इन पिजन्स को डॉक्टर B.F. स्किनर ने रेगुलर इंटरवल्स पर फीड करना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि 8 पिजन्स ने एक रिचुअल डेवलप कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके किसी एक्शंस की जिसे उन्हें खाना मिल रहा है। नाउ बाई एक्शन आई मीन फ्लिपिंग विंग्स, स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज और नॉडिंग देयर हेड। 8 में से 6 पिजन्स ऐसे रिचुअलिस्टिक एक्शंस रेपिटेडली करने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वैसा करने के बाद उन्हें पहली बार खाना मिला था और हर बार मिलता रहेगा। इन पिजन्स ने एक पैटर्न ऑब्जर्व करके सुपरस्टिशन डेवलप कर लिया था। बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर बाकी एनिमल्स और उनके साथ हम ह्यूमंस का भी होता है। एक्शन और आउटकम के बीच कोई लॉजिकल रिलेशनशिप ना भी हो तो भी हम ऐसे सुपरस्टिशियस बिहेवियर में इंडल्ज होना प्रेफर करते हैं बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज। पिजन्स को स्पिन या नॉड करने में कितने एफर्ट्स लग रहे थे, बहुत कम, राइट? तो अगर इतने कम एफर्ट्स डालकर उसका आउटकम बड़ा हो तो क्यों नहीं। अगर किसी एक्शंस में मिनिमल एनर्जी लग रही हो और उसमें मिनिमल रिस्क हो
तो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। 2009 में भी एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसमें माउस के बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश की गई। माउस ने ग्रास के रस्टलिंग साउंड को कैट से एसोसिएट कर लिया था। सो व्हेनेवर इट हर्ड द रस्टलिंग साउंड इट ऑलवेज चोज टू रन अवे फ्रॉम इट एज रनिंग वुड कॉस्ट हिम लेस देन बीइंग अ कैट स्प्रे। अगर किसी रिचुअल को डिवोशनली फॉलो करने में मिनिमल एफर्ट्स लग रहे हैं और उससे हमारा भला होने के चांसेस अगर ज्यादा भी है तो उन रिचुअल्स को फॉलो करना एक सेंसिबल ह्यूमन का डिसीजन है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ह्यूमंस कॉज और इफेक्ट के बीच कनेक्शन ढूंढने में माहिर होते हैं। ढूंढने पर ना मिले तो हम खुद कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं। इस पावरफुल इंस्टिंक्ट ने हमें इवॉल्व होने में और प्रेडेटर्स से खुद को बचाने में भी हेल्प करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे बिलीव्स डेवलप करके हमें लगने लगता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल अब हमारे हाथों में है। दिस डिक्रीजेस एंजाइटी एंड मेक्स द सिचुएशन लेस क्योटिक। पिजन्स के सुपरस्टिशंस बहुत सिंपल थे, इट रिवॉल्व अराउंड देम बीइंग फेड। लेकिन हम ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स बीइंग्स हैं, तो हमारे रिचुअल्स और बिलीव्स हमारे जितने ही कॉम्प्लेक्स होंगे, फिर चाहे वो दो एम्फीबियंस की शादी कराना हो या फिर एक छोटे से बच्चे को रूफ से नीचे फेंकना हो। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू आइडेंटिफाई सच हार्मफुल बिलीव्स एंड थिंक वाइजली। लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।